कलेक्टर का रौद्र रूप, अस्पतालों की लूट को देखते हुए सख्त, अधिक लूट करने वाले 30 अस्पतालों की बुलाई बैठक। बैठक में गलत जानकारी देने वाले एक अस्पताल संचालक को भेजा थाने। मिनेश अस्पताल और साईं अस्पताल को तुरंत बंद करने के दिए निर्देश। एप्पल अस्पताल से मांगा रेमडेसिविर इंजेक्शन का हिसाब। पिछले 3 दिन में अस्पताल को दिए थे 217 रेमडेसिविर इंजेक्शन। एप्पल अस्पताल के खिलाफ होगी FIR दर्ज। एप्पल अस्पताल का मेडिकल स्टोर होगा सील। भारतीय न्यूज के लिए इंदौर से दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। आज जो छोटे अस्पताल जिनको परमिशन दी गई है कोविड की, वहाँ की शिकायतें जनरल एक आ रही थी कि उनकी बिलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग वैसे ही परेशान हैं। इस समय बहुत बड़े एक समाज एक महामारी को झेल रहा है, इस सदी की सबसे बड़ी सेकंड वेव के रूप में। ऐसे में बिलिंग ज़्यादा होना, रेमडेसिविर इंजेक्शन की हेराफेरी करना, रेमडेसिविर इंजेक्शन से कुछ जगह हम लोगों ने हिसाब मांगा था एप्पल हॉस्पिटल के यहाँ जो दुकान है उससे, दवाई की दुकान है, उन्होंने हिसाब नहीं दिया उसका। उस दुकान की ये शिकायतें आ रही थी कि 12,000 रुपये में बेच रहे हैं वो इंजेक्शंस, और हिसाब नहीं देना और शिकायतें इस प्रकार की आना तो ऐसा लगता था कि प्राइवेट फेसिक गड़बड़ी है वहाँ पर। तो उसको भी दुकान को सील किया है हम लोगों ने, आज उसको लाइसेंस स्थगित किया है। 2 हॉस्पिटल्स के एडमिशन्स रोके हैं जहाँ बहुत शिकायतें थी, साईं अस्पताल और एक निनेश अस्पताल है राहू का। और इसके साथ साथ गौरव हॉस्पिटल की जाँच भी, दोनों अस्पतालों के साथ साथ गौरव हॉस्पिटल की जाँच के भी आदेश दिए हैं। एप्पल हॉस्पिटल की जो दवाई की दुकान है उसमें रेमडेसिविर की गड़बड़ी उसने की, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। उसकी जांच के लिए ड्रग इंस्पेक्टर्स की और मजिस्ट्रेट टीम गई हुई है और वहां पर हॉस्पिटल की जांच भी करेंगे कहां कहां लगाए गए इंजेक्शन से। तो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो मरीज इन छोटे अस्पतालों में जा रहे हैं, लगभग सभी लोअर मिडिल क्लास के शहरी गरीब श्रेणी के मरीज हैं, इनकी बिलिंग के जो हम लोगों ने पैरामीटर दिए हुए हैं उससे जगह ज़्यादा बढ़ा के ये लोग दे रहे थे, उसके लिए इनका एडमिशन रोका गया है। बाकी अन्य अस्पतालों को सचेत किया गया है कि बिलिंग में इनका जो भी अगर 1,000 रुपये का बिस्तर देते थे तो उससे 40% अर्थात 400 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं आप। दूसरा, रेमडेसिविर जब दी जा रही है सरकार से, भले अगर कम मात्रा में दी जा रही है, आपको आवश्यकता 50 की, हम 25 या 30 दे पा रहे हैं, 25 या 30 जेन्युइन जो पेशेंट्स हैं वहाँ के उनको लगाई जाए और उसका हिसाब दिया जाए हम लोगों को, किस पेशेंट को लगाया है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, नाक के ऊपर जरा कर लीजिए अपने। नहीं, अभी तो एप्पल के मेडिकल दुकान की शिकायत मिली थी, उसको हम लोगों ने सील कर दिया है, लाइसेंस स्थगित कर दिया है उसका, वो सील रहेगी अब वो। और बाकी एक टॉसी की ज़रूर शॉर्टेज चल रही है मार्केट में, उसकी कालाबाजारी की भी शिकायतें आई हैं कि कहीं से लोग ज़्यादा महंगे में प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए भी पुलिस और हम लोग प्रयास कर रहे हैं पता लगाने का। जैसे हम लोगों ने रेमडेसिविर की नकली रेमडेसिविर बेचने वाले एक डॉक्टर को पकड़ा है, उसको जेल में डाला गया, FIR हुई है उसकी, वैसे ही अगर टॉसी का भी किसी ने कालाबाजारी करते पाया गया, रेमडेसिविर की कोई अगर ज़्यादा रेट पे देता पाया गया, ये भी हॉस्पिटल संचालकों को बोला है कि रेमडेसिविर जिस रेट में इनको इनकी कंपनी के स्टॉकिस दे रहे हैं उसी रेट में इनको देना है और इससे ज़्यादा रेट में नहीं दे सकते हैं ये। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।